सांकेतिकता में आज जो हम आपके लिए दूसरा प्रश्न लेकर आए हैं, दूसरा क्वेश्चन वो है x इज इक्वल टू जीरो पर फलन fx के सांकेतिकता की जांच कीजिए, जहां fx इज इक्वल टू साइन 1/x जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो और fx इज इक्वल टू जीरो जब x इज इक्वल टू जीरो। बाकी सभी प्रश्नों की तरह इसमें भी आप ध्यान से देखिए, आपको एक बिंदु दिया हुआ है, इसी बिंदु पर इस फलन के हमें सांकेतिकता की जांच करनी है। और फलन का परिभाषा कुछ इस तरह से है कि जब x का मान 0 के बराबर नहीं होता है तब fx का मान sin 1/x है, और जब x का मान 0 हो रहा है तब यही fx का मान 0 हो रहा है। बाकी सभी प्रश्नों की तरह हम इसे भी हल करेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि सांकेतिकता के चैप्टर में जितने भी प्रश्न आपके सामने आए, हल करने के लिए आपको हर एक प्रश्न को 3 स्टेप में सॉल्व करना है। पहला स्टेप, पहला चरण, दिए गए बिंदु पर फलन का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में आप दिए गए बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कीजिए। और तीसरा स्टेप, दिए गए उसी बिंदु पर राइट हैंड लिमिट ज्ञात कीजिए। तीनों के तीनों, यानी दिए गए बिंदु पर फलन का मान, दिए गए बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट और दिए गए बिंदु पर राइट हैंड लिमिट, ये तीनों मान यदि आपस में बराबर आए तभी हम कहेंगे कि उस दिए गए बिंदु पर हमारा फलन सतत है। चलिए इसे हल करते हैं। पहले नंबर पर हम दिए गए बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। हमारा दिया गया बिंदु x इज इक्वल टू जीरो है, तो x इज इक्वल टू जीरो पर जब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए x इज इक्वल टू जीरो पर फलन का मान 0 हो रहा है। f x की जगह पर जब हमने 0 लिया, यहां पर फलन का मान अपने आप में 0 है। सेकेंड नंबर पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू, बिंदु कौन सा है आपका? 0, 0 यहां माइनस और यहां fx। ये क्या होता है? ये होता है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अब ये तीन चीज जो है आपको बस लिखना आना चाहिए। इसके बाद x की जगह पर आप 0 माइनस एच रखने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि 0 में अगर आप कोई भी चीज घटाएंगे तो घटाने से उसका मान 0 से कम हो जाएगा। 0 से कम हो जाएगा मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ अपने आप में दो तरह से निकलता है। अगर x का मान 0 से कम है तब भी यही वाला प्रतिबंध लगेगा, और x का मान अगर 0 से ज्यादा है तब भी यही प्रतिबंध रहेगा। इस समय हमारा मान 0 से कम हो रहा है तो fx का हम यही वाला मान लें, और इसमें x की जगह पर हम रखने वाले हैं 0 माइनस h। ये हमारे लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/0 माइनस एच आएगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये हमारा लिमिट एच टेंड्स टू 0 वैसे का वैसे ही 0 माइनस एच और कुछ नहीं, साइन माइनस 1/h आएगा। नीचे जो माइनस बचेगा उस माइनस को हमने ऊपर लिख लिया। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा, आप लोगों ने 11th क्लास में त्रिकोणमिति में साइन माइनस थीटा पढ़ा होगा, माइनस साइन थीटा होता है। अब माइनस साइन 1/h आया। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक बहुत विशेष बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं।
11th क्लास के त्रिकोणमिति में आप लोगों ने ये चीज अवश्य पढ़ा है कि साइन थीटा में आप थीटा की जगह कोई सा भी कोण रख दीजिए, थीटा की जगह पर आप कोई सा भी कोण रखिए, साइन थीटा का मान, अंतिम मान जो निकलेगा वो अपने आप में -1 से 1 के बीच का होगा। होगा क्या मान आएगा वो तो इस दिए गए थीटा पर निर्भर करेगा, लेकिन जो भी मान आएगा वो मान अपने आप में -1 से 1 के बीच में होगा। अब यहाँ पर जो ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये माइनस का चिन्ह इसके बाहर निकलेगा और ये हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/h आ रहा है। जरा सोच के देखिए, साइन का जो ये कोण है, साइन के लिए ये 1/h जो है यहाँ कोण का काम कर रहा है। इस कोण में आप कुछ भी रखिएगा तो इसका जो अंतिम मान आएगा वो -1 से 1 के बीच का ही कोई मान होगा। होगा -1 से 1 के बीच का कोई भी मान जब होगा तो सामने में ये क्या लगा है, सामने में ये माइनस लगा है, और इस पूरे को हल करके जो भी मान आपका आने वाला है वो मान अपने आप में -1 से 1 के बीच का मान आने वाला है। कुछ भी आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान आए, -1 से 1 के बीच का ही रहेगा। जरा अब यहां पर राइट हैंड लिमिट के बारे में सोचते हैं। राइट हैंड लिमिट अर्थात लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 + fx, ये क्या होगा, ये और कुछ नहीं लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 + h आएगा। ये और कुछ नहीं, ये हमारा बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, फलन तो हमारा यही रहेगा साइन 1/0 + h। अब ये और कुछ नहीं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/h आ रहा है। यहां पर जो आ रहा है वहां पर भी वही कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए कि साइन थीटा में थीटा की जगह पर आप कोई सा भी एंगल रखिए, अंततः उसका मान जो है -1 से 1 के बीच में ही आएगा। अगर ऐसा है तो यहां पर मैं कोई भी मान रखूं, इस पूरे को हल करके इसका जो अंतिम मान आएगा वो मान अपने आप में -1 से 1 के बीच का मान होगा। अब ध्यान से देखिए, -1 से 1 के बीच में अगर आप एक संख्या रेखा को देखें, संख्या रेखा में यहां पर आपका -1 है और यहां पर आपका 1 है। इस -1 से 1 के बीच ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि -1 वाला बिंदु जो है वो इसके मान में शामिल रहता है, ये +1 जो है ये भी इसके मान में शामिल रहता है, लेकिन -1 से 1 के बीच में एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू आ रही है ये तो हमें यहां से नहीं पता चल पा रहा है। इतना पता है कि अंतिम मान -1 से 1 के बीच का होगा, लेकिन कौन सा वो मान होगा ये हम एकदम 100% कंफर्म नहीं। जो भी मान आएगा, जो भी आएगा उसके आगे तो ये माइनस लगा हुआ है, और यहां पर आप अपने राइट हैंड लिमिट को देखिए, यहां पर भी आखिरकार मान -1 से 1 के बीच का ही आ रहा है। जो भी मान आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। निश्चित तौर पर हम यहां पर किसी एक मान के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं। जब हम किसी एक मान के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं तब हम ये कहेंगे कि यहां पर ये मान और ये मान आपस में बराबर नहीं है,
और जब ये आपस में बराबर नहीं है तो इसको बस इतना लिखना काफी होगा कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान जो है राइट हैंड लिमिट के मान के बराबर नहीं आ रहा है। मान बराबर नहीं आ रहा है कहने का मतलब ये मान आखिर माइनस वन से वन के बीच का ही है, लेकिन एग्जैक्ट आखिरकार वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये हम यहां पर नहीं बता पा रहे हैं। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, और चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो इसी को हम कहेंगे अतः x इज इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स असतत है। अभी तक आपने जितने भी प्रश्न किए थे सभी में सब चीज सतत आ रहा था। देखिए पहली बार आपके सामने एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रहा। अगर नहीं आया तो इसी को हम कहेंगे कि दिए गए बिंदु पर हमारा फलन जो है वो असतत है। अब इसी में यही सेम क्वेश्चन में एक छोटा सा अगर चेंज किया जाए, छोटा सा चेंज क्या, मान लीजिए एक आध प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसमें यहां पर सामने में एक्स लगा दिया जाता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर फलन एफ एक्स के सार्थकता की जांच कीजिए जहां एफ एक्स बराबर एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो जब एक्स इज इक्वल टू जीरो। केवल ये एक छोटा सा परिवर्तन करने से आखिर इस पूरे क्वेश्चन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका जब इसको देखिए। चरण तो हमारे यही तीन रहे, इन तीन चरणों में पहला चरण जो है एफ जीरो इक्वल टू जीरो ये तो यहां पर भी है, दूसरे चरण में जो परिवर्तन आएगा वो परिवर्तन देखिए कहां पर आ रहा है, वो परिवर्तन यहां पर आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहां पर सामने का जो ये एक एक्स लगा है इस एक एक्स के लिए यहां पर आपका जीरो माइनस एच आएगा, एक्स जो आपका सामने ये दिख रहा है इस एक्स की जगह पर यहां सामने में जीरो माइनस एच आएगा, जीरो माइनस एच अपने आप में यहां माइनस एच बनेगा। अब यहां पर अंदर का माइनस जो है जब बाहर निकलेगा तो इस माइनस को प्लस बना देगा और यहां पर केवल आपका h बचेगा सामने में। मान जब रखिएगा h इज इक्वल टू जीरो तो ये h इज इक्वल टू जीरो आप इस h की जगह पर भी रखने वाले हैं। फिलहाल यहां पर समझिए जो हम पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि साइन वन बाई एच का मान अपने आप में माइनस वन से वन के बीच का रहेगा, कौन सा मान रहेगा ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन जो भी रहेगा वो माइनस वन से वन के बीच का रहेगा। तब तक आप इस सामने वाले एक एच के बारे में सोचिए, ये सामने में जो हमने एक्स लगा दिया इसी क्वेश्चन में इस एक्स के कारण हमारा सामने में एक एच आ रहा है, सामने में एक एच आ रहा है मतलब एक एच यहां पर आ रहा है। अब जब एच की जगह जीरो रखने वाले हैं ये वाले हिस्से का चाहे जो भी मान आए सामने में जो एच है इस एच की जगह जब जीरो रखा जाएगा तो ये माइनस वन से वन के बीच का कोई भी मान आ रहा हो सामने के इस जीरो के कारण इसका फाइनल आंसर जो है वो अपने आप में जीरो आ जाएगा। सेम यही चीज इस राइट हैंड लिमिट में भी जो परिवर्तन आएगा ये जो x है इस x के कारण यहां पर 0 प्लस एच लिखेंगे आप, 0 प्लस एच अपने आप में केवल h बनेगा, यानी यहां पर सामने में एक h लग रहा है। सामने में अगर एक h लग रहा है तो इस वाले प्रश्न में जब हमने इसके बारे में बात किया था कि साइन 1 बाई एच का मान अपने आप में माइनस वन से वन का बीच का कोई भी रह सकता है, कौन सा है ये मुझे मालूम नहीं लेकिन रहेगा माइनस वन से वन के
बीच का है। ये बात तो हमारी केवल साइन वन बाई एच के बारे में हुई थी। सामने में कौन है इसके? सामने में एच है और इस एच की जगह पर आप क्या रखने वाले हैं? जीरो। एच की जगह पर जैसे आप जीरो रखेंगे तो जीरो का जब इस जो भी मान आए माइनस वन से वन के बीच का जो भी मान रहे उसमें जब आप जीरो से गुणा करेंगे तो इसका भी फाइनल आंसर जीरो आ जाएगा। फाइनल आंसर जीरो आने पर देखिए दिए गए बिंदु पर फलन का मान भी जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकाला सामने एक्स लगाकर, सामने एक्स लगाकर जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की गणना करेंगे तो वो भी आपका जीरो आएगा। और सामने में जब एक्स लगा हुआ है तब इस परिस्थिति में जब आपने राइट हैंड लिमिट निकाला तो वो भी फाइनली जीरो आया। यानी यहां पर अब एक छोटा सा जो क्वेश्चन में चेंज किया गया उस छोटे से चेंज करने के कारण तीनों मान आपस में बराबर आ गए। और तीनों मान यदि आपस में बराबर आ गए तो हम यहां पर लिखेंगे x = 0 पर fx सतत है।